Hello dear friends, welcome to Se Dosti YouTube channel. In today's video session, we are going to discuss about very interesting topic that is Atomic Energy Establishment in India. So, uh, many of you guys have already appeared in BARC, Work Assistant Examination or in uh, Department of Atomic Energy, Junior Purchase Assistant, Junior Storekeeper or the UDC exam, right? or there are uh, n number of exam in our country which is related to uh, the different research laboratories or the different institutes like uh, government psus isro drdo barc dae okay and uh, there are uh, many other competitive exams also so all these competitive exam uh, there are a few questions which are based on science and tech and ऑल्सो बेस्ड ऑन पर्टिकुलरली यू कैन से द न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ आर कंट्री सो इंडिया हैज़ अ वेरी स्ट्रोंग वेरी फंडामेंटल यू कैन से द न्यूक्लियर प्रोग्राम बिकॉज वी हैव ऑलरेडी एंटर्ड इंटू द फील्ड ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी सिंस आर इंडिपेंडेंस ओके जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू उन्होंने उन्होंने उनके समय से ये न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर फोकस किया है तब जाके आज इंडिया के पास खुद के न्यूक्लियर मिसाइल्स है न्यूक्लियर एनर्जी के बहुत सारे एप्लीकेशंस है जो कि इंडिया अपने नागरिकों को या और दूसरे देश के जो नागरिक हैं उनको भी प्रोवाइड करता है जैसे कि आपको पता होगा कि एक मुंबई में एक लेबोरेटरी है बीएआरसी की है जहाँ पर अलग अलग तरीके के सक्सेसफुल मेडिकल ट्रीटमेंट किए जाते हैं जो कि अलग अलग रेडियो एक्टिविटी के ऊपर बेस्ट है ओके तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाती है क्योंकि वी हैव ऑलरेडी डेवलप्ड एटॉमिक एनर्जी और द न्यूक्लियर एनर्जी इन आर कंट्री ओके तो ये न्यूक्लियर एनर्जी को बिलोंग करने वाली अलग अलग फैसिलिटीज़ हमारे देश में तो कौन कौन सी फैसिलिटीज़ है उसके क्या क्या कैटेगराइजेशन है कहाँ पर वो स्थित है ओके तो ये सब हम जानने वाले तो यहाँ पर जितना भी डेटा इस मैप में दिया है तो ये जो मैप है ये मैंने बी की ऑफिशियल वेबसाइट से लिया है तो यहाँ पर आपको सब फैसिलिटीज़ अच्छे से यहाँ पे दिखाई देंगी तो ये मैप रीड करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जान लेते हैं यहाँ पे देखो कुछ कलर कोड दिए हैं ये जो ऑरेंज कलर कोड है तो ये किस लिए है रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो भी न्यूक्लियर साइंस uh, में रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए हेल्प करती है ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को ऑरेंज कलर में दिखाया गया है उसके बाद ये जो पिंक या जो भी ये थोड़ा सा पिंकिश कलर है ये जो है ये क्या दर्शाता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पी जो कि सरकार uh, सरकार की कंपनीज uh, होती है या सरकार जिसके uh, ज़्यादा स्टेक uh, कैरी करती है वैसी जो कंपनीज होती है उसे पी बोला जाता है ओके फिफ्टी वन परसेंट और उससे ज़्यादा स्टेक सरकार का होता है तो ऐसे कंपनीज को पीएसयू बोला जाता है उसके बाद इंडस्ट्रियल फैसिलिटी ग्रीन कलर से मार के ग्रे कलर से मार के ग्रांटिन ऑर्गेनाइजेशन ग्रांटिन एड ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या ये ऑर्गेनाइजेशन पीपीपी टर्म -पी पे चलने वाली होती है ओके आ, जैसे कि टिफे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च एक्चुअली टाटा ग्रुप की है लेकिन uh, कुछ गवर्नमेंट का भी उनको सपोर्ट मिलता है राइट और ऐसे बहुत सारे लेबोरेटरीज है जो गवर्नमेंट ग्रांट के ऊपर चलते हैं ओके तो ग्रे कलर से वो दिखाई गए हैं उसके बाद ये थोड़ा सा मरून कलर जैसा है चॉकलेटी मरून बोल सकते हो आप यहाँ पे अलग अलग सर्विस ऑर्गेनाइजेशन दिखाई गई है ओके तो ये जितने भी न्यूक्लियर फैसिलिटी या एटॉमिक एनर्जी फैसिलिटीज है उनको सर्विस प्रोवाइड करने वाले भी कुछ फैसिलिटीज इंडिया में हैं तो उनका आ, जो कलर है वो इस मरून कलर से दिखाया गया है उसके बाद यहाँ पे कुछ लीजेंड दिया हुआ है वो देखते हैं यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ एप्रीविएशन है बी आर एन एस ये क्या है बोर्ड ऑफ रिसर्च इन न्यूक्लियर साइंसेस एच बी एन आई होमी बाबा नेशनल इंस्टीट्यूट उसके बाद एन बी एच एम नेशनल बोर्ड फॉर हायर मैथमेटिक्स एस 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 एफ सॉलिड स्टोरेज सर्विलेंस फैसिलिटी डब्ल्यू आई पी वेस्ट इमोबिलाईजेशन प्लांट उसके बाद ये एस एटोमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी उसके बाद ए सी टी आर ई सी एडवांस सेंटर फॉर ट्रीटमेंट रिसर्च एंड एजुकेशन इन कैंसर तो देखो ये वाला जो है ना मेडिकल फील्ड में बहुत ज़्यादा योगदान रखता है ये वाला सेंटर एडवांस सेंटर फॉर ट्रीटमेंट रिसर्च एंड एजुकेशन इन कैंसर ओके तो अलग अलग प्रकार के जो कैंसर होते हैं उसके ऊपर न्यूक्लियर रेडिएशंस बेस्ड कुछ थेरेपीज की जाती है या कुछ उसके सोल्यूशन है तो ये uh, ये सेंटर द्वारा बहुत सारे परफॉर्म किए जाते हैं उसके बाद है टी आई एफ आर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च टी एम सी टाटा मेमोरियल सेंटर उसके बाद डी सी एस एंड ई एम डायरेक्टोरेट ऑफ कंस्ट्रक्शन सर्विसेज एंड इस्टेट मैनेजमेंट तो देखो जितने भी गवर्नमेंट की अलग अलग ज़मीनें होती है उनके जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है या जो भी सर्विस सेंटर गवर्नमेंट के होते हैं या अलग अलग जो भी इस्टेट होती है तो उस सबको मैनेज करने का काम ये वाला डिपार्टमेंट करता है उसके बाद ये डी आप सब लोगों को फैमिलियर होगा क्योंकि ये वाली इसके अंडर जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट हुई है आप में से बहुत सारे बच्चों ने दिए हैं राइट डिपार्टमेंट ऑफ़ परचेस एंड स्टोर्स ओके सॉरी डायरेक्टोरेट ऑफ परचेस एंड स्टोर्स तो ये वाला इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है ओके okay. सो so, इस तरीके से ये यहाँ पे कुछ एब्रीविएशन्स है ओके okay. तो so, हमारे मैप की तरफ बढ़ते हैं तो so, जितने भी इंडिया में न्यूक्लियर पावर प्लांट है ओके okay. अलग अलग राज्य में आपको ये न्यूक्लियर पावर प्लांट मिलेंगे तो so, कुछ आपको मैं ट्रिक बताऊँगा उसको याद रखने के लिए ओके okay. तो देखो जितने भी पावर प्लांट है ना उनको रन करने वाली एक सेंट्रल गवर्नमेंट की एक बॉडी है उसको एन बोला जाता है नेशनल पावर कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड एन ओके तो एन के भी अलग अलग वैकेंसीज़ निकलती है अलग अलग इंजीनियर्स के लिए हो या जो कोई टेक्निकल फील्ड में महारत हासिल करते जो बच्चे तो बहुत सारी टेक्निकल वैकेंसी भी रहती नॉन टेक्निकल वैकेंसी भी रहती है लेकिन थोड़ी सी कम रहती है टेक्निकल फील्ड में इनकी वैकेंसी ज़्यादा रहती है तो देखो जितने भी हमारे वर्किंग या अंडर कंस्ट्रक्शन न्यूक्लियर पावर प्लांट है जहाँ से हम ये जो न्यूक्लियर एनर्जी उसे प्रोड्यूस करते तो वो एन के तहत ऑपरेट होते तो मैं आपको जो इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसके बारे में बताऊँगा नरोरा उत्तर प्रदेश में स्थित है नरोरा एटोमिक पावर स्टेशन उसका नाम है इसके अप्रोक्सिमेट लोकेशन देख लो कभी कभी बहुत सारे एग्जाम में ऐसे भी पूछा जाता है अरेंज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ ईस्ट टू वेस्ट वेस्ट टू ईस्ट साउथ टू नॉर्थ ओके तब आपको ये इंपॉर्टेंट नाम याद होने चाहिए ओके तो एन के तहत आने वाले सब पावर प्लांट में पहले आपको दिखा देता हूँ बाद में हम एक एक करके अलग अलग फैसिलिटीज के बारे में देखेंगे उसके बाद यहाँ पे देखो काकरा पार्क ये जो है ये गुजरात में काकरा पार्क के जो भी वो स्टेशन है एटोमिक पावर स्टेशन वहाँ पे चार आपको न्यूक्लियर रिएक्टर मिलेंगे स्टेशन वन स्टेशन टू स्टेशन थ्री एंड स्टेशन फोर ओके उसके बाद देखो ये है रावत भाटा राजस्थान में है रणथम्बुर जो हमारा टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क जो है उसके बहुत निकट ये स्थित है रावत भाटा न्यूक्लियर पावर प्लांट ओके तो ये आपको याद रखना है यहाँ पे देखो कितने हैं वन टू तो सिक्स ये इनिशियल स्टेजेस में इतने थे बाद में सेवन एंड एट ये वाले जो नए न्यूक्लियर रिएक्टर uh, है वो जॉइन हुए तो यहाँ पे मेनली हेवी वाटर प्लांट जो है वो भी मिलेगा राजस्थान में मिलेगा कोटा शहर में आई आई uh, के बच्चे यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए जाते हैं बहुत फेमस है कोटा सिटी तो uh, रावत भाटा के नजदीक ही है कोटा सिटी वहाँ पे आपको ये हेवी वाटर प्लांट मिलेगा हेवी वाटर क्यों यूज़ होता है आप में से बहुत बच्चों को पता होगा uh, जो भी uh, uh, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है उसमें मॉडरेटर का, का काम करता है राइट मॉडरेटर कूलेंट का काम करता हैवी वाटर ओके तो इसलिए ये यूज़ किया जाता है उसके बाद है आर ए पी पी सी ओ एफ तो ये भी एक कोई लैब होगी जो कि कोटा में स्थित है इसका फुल फॉर्म अगर आपको जानना है तो ऑफिशियल वेबसाइट से आप पता कर सकते हैं ओके उसके बाद आगे देखते हैं ये देखो मुंबई में है महाराष्ट्र में तारापुर है तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट यहाँ पे भी चार रिएक्टर आपको मिलेंगे सबसे पहला जो रिएक्टर था अपसरा वो यहाँ पे लगाया गया था एनपीसीआईएल इसको ऑपरेट करता है ओके उसके बाद ये अलग अलग आपको बी के अंडर आने वाले प्लांट भी तारापुर में मिलेंगे ओके तारापुर मुंबई एंड नवी मुंबई ये तीन जो लोकेशन है यहाँ पे आपको बहुत सारी फैसिलिटीज मिलेगी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड बी ए आर सी भाभा एटोमिक रिसर्च सेंटर द्वारा चलाई जाने वाली और एनपीसीआईएल द्वारा चलाया जाने वाला ये तारापुर का एटॉमिक पावर प्लांट भी स्थित है मुंबई के नजदीकी है टॉम्बे भी बोला जाता है बहुत बार ओके तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो ओके मुंबई में देखो क्या क्या है न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआईएल ये जो है इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है ये या आपको याद रखना है इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड रेयर अर्थ लिमिटेड मतलब क्या जो भी रेयर अर्थ में एलिमेंट होते हैं ना जैसे कि देखो अभी ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बहुत न्यूज़ में तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो लिथियम आयन बैटरी यूज़ होती है ना तो लिथियम क्या है रेयर अर्थ एलिमेंट है तो लिथियम जैसे और बहुत सारे रेयर अर्थ एलिमेंट होते हैं जो कि हमारे लैपटॉप में फ़ोन की बैटरीज में इलेक्ट्रिक वहीकल में सोलर पैनल में या जो भी सुपर कंप्यूटर वगैरह बनाए जाते हैं जितने भी इलेक्ट्रिक गैजेट होते uh, तो उस सब में ये रेयर अर्थ एलिमेंट का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है उसके बाद जो हमारे एरोप्लेन के पार्ट्स होते या हमारे अलग अलग मिसाइल्स होते तो उसके जो पार्ट होते हैं रडार होते है, उसके पार्ट होते हैं तो रेयर अर्थ एलिमेंट से बनते हैं तो इसलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसका भी हेडकोार्टर मुंबई में है। ये मतलब आपको मतलब आ... हैरानी होगी जान के कि बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्स हैं कि जिसमें ये पूछते इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड का हेडक्वाटर कहा है या एन पी सी एल का हेडक्वाटर कहा है जो ऐसे गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं कुछ डिपार्टमेंटल होते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट उनको कैरी करते तो पूछे जाते हैं ओके हेवी वाटर बोर्ड जो है उसका भी हेडकोार्टर आपको मुंबई में मिलेगा ओके उसके बाद देखो भाबाएटोमिक रिसर्च सेंटर मुंबई में मिलेगा रेडिएशन मेडिसिन सेंटर देखो मैंने आपको बताया था इसके बारे में बी द्वारा यह ऑपरेट किया जाता है जहां पे रेडिएशन बेस्ड मेडिसिन आ, की ट्रीटमेंट दी जाती है जो भी मरीज होते हैं उनको ये अलग अलग लैब्स है इसके भी हेडक्वार्टर्स मुंबई में लेंगे ओके टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च उसके बाद ये और जितने भी हमने ये आ, एब्रिवेशन देखे इन सबके हेडक्वार्टर आपको मुंबई में मिलेंगे उसके बाद देखो डिपार्टमेंट ऑफ डायरेक्टर ऑफ डायरेक्टोरेट ऑफ परचेस एंड स्टोर्स और ये जो स्टेट जो भी है जो भी सर्विसेज और स्टेट मैनेज करने वाला जो डिपार्टमेंट है उसके भी हेडक्वार्टर आपको मुंबई में मिलेंगे ओके तो बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि डीपीएस डायरेक्टोरेट ऑफ परचेस एंड स्टोर की अभी ये जो वैकेंसी निकली थी इसकी पोस्टिंग कहाँ पे होगी तो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है ज्यादातर पोस्टिंग यहाँ पे होगी और इसके अलावा भी इंडिया में इनके जहाँ जहाँ पर उनके जो रीजनल ऑफिस है तो वहाँ पर भी पोस्टिंग हो सकती है ओके सो ऑल ओवर इंडिया आपको काम करना पड़ सकता है ऐसा नहीं कि पूरे लाइफ टाइम आप डी के जो हेडक्वार्टर है मुंबई में वहीं पे काम करोगे ऐसा नहीं हो सकता राइट कुछ समय तक मुंबई में भी रहोगे कुछ समय के बाद आपको आ, इंडिया के किसी भी कोने में भी जाना पड़ सकता है उसके बाद देखो नवी मुंबई में बोर्ड ऑफ रेडिएशन एंड आइसोटोप टेक्नोलॉजी उसका हेडक्वार्टर है और ये अलग अलग लेबोरेटरीज आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे रेडियो फार्मास्यूटिकल लेबोरेटरीज रेडिएशन प्रोसेसिंग प्लांट लेबल्ड कम्पोनेंट लेबोरेटरी ओके रेडिएशन इक्विपमेंट प्रोडक्शन फैसिलिटी बेरेलीम प्लांट ओके इलेक्ट्रॉन बिम सेंटर और ऐसे बहुत सारे मिलेंगे आपको उसके बाद देखो एन के आ, अंडर आने वाला और एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर पावर स्टेशन है जिसका नाम है कहगा ओके okay? कैगा कहाँ पे कर्नाटक में स्थित है रिसेंटली इसके बारे में एक बहुत अच्छा न्यूज आर्टिकल था कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा दिन चलने वाला कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो कहेगा है नौ सौ से भी ज्यादा दिन वो कंटिन्यू चला नॉन स्टॉप कैन यू इमेजिन नौ सौ से भी ज्यादा दिन उसका जो रिएक्टर था वो कंटिन्यू एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा था ओके okay? सो so, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है कहगा के नाम पे कि दुनिया में सबसे ज्यादा चलने वाला एटोमिक पावर स्टेशन ओके okay? सो so, कहगा जनरेटिंग स्टेशन बोला जाता है उसमें भी आ, चार अलग अलग न्यूक्लियर रिएक्टर है ओके okay? तो ये हमने एनपीसीएल के बारे में देखा जो कि और बहुत सारे एनपीसीएल के बारे में वो भी मैं आपको बता देता तो हूँ देखो ये कल्पकम है तमिलनाडु में कल्पकम एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट एनपीसीएल के तहत आता ये भी ओके उसके बाद देखो यहाँ पे और मिलेगा आपको ये भी कल्पकम का ही है सॉरी ये कूडानुकुलम था नीचे वाला ये कल्पकम है ओके तो मद्रास एटोमिक पावर स्टेशन उसे बोला जाता है जो कल्पकम में है उसके बाद भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड उसका हेडक्वार्टर आपको कल्पकम में मिलेगा ओके नाभिकीय मतलब क्या कि जो भी न्यूक्लियस होता है तो उसको हम फिशन रिएक्शन से डिसइंटीग्रेट करके उससे एनर्जी क्रिएट करते हैं तो वो करने वाला जो इंडिया का इंस्टीट्यूट है भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड उसका हेडक्वार्टर आपको कल्पकम में मिलेगा इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च ये भी वहां पर मिलेगा आपको उसके बाद पी एफ बी आर प्रेशराइज सॉरी हाँ प्रेशराइज फास्ट ब्रिडर रिएक्टर प्रोजेक्ट ओके देखो इंडिया का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो थ्री स्टेज में है पहला तो हेवी वाटर बेस्ड न्यूक्लियर रिएक्टर उसके बाद प्रेशराइज आ, फास्ट ब्रिडर रिएक्टर है और थर्ड स्टेज में है जो वो है थोरियम बेस्ड न्यूक्लियर रिएक्टर ओके तो इस तरीके से ये तीन अलग अलग स्टेजेस है और इसकी खासियत क्या है मैं आपको बताता हूँ जो भी न्यूक्लियर एनर्जी एक्सट्रैक्ट करने के बाद न्यूक्लियर वेस्ट निकलता है ना तो पहले स्टेज में जो न्यूक्लियर वेस्ट निकलता है वो दूसरे स्टेज में यूज होता है दूसरे स्टेज में जो न्यूक्लियर वेस्ट निकलता है वो तीसरे स्टेज में यूज होता है और तीसरे स्टेज के बाद जो न्यूक्लियर वेस्ट निकलता है उसकी मात्रा बहुत कम बचती है तो इसलिए इंडिया जो डेवलप करना चाह रहा है वो थ्री स्टेज न्यूक्लियर न्यू मतलब जो न्यूक्लियर एनर्जी के जो अलग अलग स्टेजेस है वो थ्री स्टेज न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को इंडिया प्रमोट करता है ओके दुनिया में बहुत कम ऐसे देश है कि जिनके पास ये थ्री स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम है और थ्री में से दो स्टेज तो हमने अच्छे से आ, कवर कर लिए अभी ये प्रेशराइज आ, फास्ट ब्रिडर रिएक्टर भी इंडिया में लगने चालू हो गए लेकिन जो भी हमारे थर्ड स्टेज में है कि आ, थोरियम बेस रिएक्टर वो अभी तक लगना चालू नहीं हुए और होगा भी तो वो एक आ, क्या बोलते हैं उसको प्रायोगिक तत्व पे ही चला चलाया जा रहा है फुल फ्लेज एनर्जी उससे, अभी तक एक्सट्रैक्ट नहीं हो रही है क्योंकि जो थोरियम है ये जो केरल का कोस्ट है ना यहाँ पे मोनोजाइट सैंड नाम का एक सैंड होती है जो रेती होती है ना सी कोस्ट के ऊपर तो उसमें मोनोजाइट नाम का एक सैंड है उस सैंड में से थोरियम को एक्सट्रैक्ट करना उसको फिर से यूरेनियम टू थर्टी फाइव में उसको फिशनेबल बनाना और उससे एनर्जी निकलवाना ये बहुत ट्रिकी टास्क है और फिजिबल भी नहीं है इकोनॉमिकली तो उसमें बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट अभी चाहिए होंगी तो इसलिए जो थर्ड स्टेज है हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम का वो अंडर डेवलपमेंट है ओके तो ये नॉलेज आपको बहुत जगह पे काम आएगा दोस्तों ओके ऐसा मत समझिए कि ये बहुत सारे ऐसे नाम है हम कैसे याद रखेंगे आपको कुछ नहीं करना आपको सिर्फ इस मैप की प्रिंट लेनी है उसको दीवार पे चिपका के रखो और बस दिन में एक दो बार देखते रहो आपको हफ्ते भर में सारे याद हो जाएंगे ओके okay? कोई डिफिकल्ट नहीं है इसमें उसके बाद देखते और कहाँ पे एन पी सी आई एल के प्लांट आई थिंक इतने ही थे एन पी सी आई एल के प्लांट ओके okay? या yeah. तो उसके बाद हम देखते जो हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसमें यूरेनियम भी हमें लगता है जो कि एज अ फिशनेबल जो मटेरियल होता है कॉन्सनट्रेटेड रेडियो एक्टिव मटेरियल तो उसके तहत काम करता है तो देखो झारखंड में मेनली हमें यूरेनियम के माइन मिलते हैं जो ऑपरेट करता है यूरेनियम कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड ओके यू जिसे बोला जाता है तो जितने भी इंडिया में यूरेनियम की के माइन्स है तो वो यू के तहत ही आ, उसको पूरा मैनेज किया जाता है तो देखो झारखंड में आपको तीन अलग अलग माइन्स मिलेंगे मो मोहू मोहुल दिया तुरा तुर दिया और ये एक है बंधु हु बंधू रंग देखो दोस्तों ये जो प्रोनाउंसिएशन है ये गलत हो रहे होंगे मेरे से जो भी झारखंड को बिलोंग करने वाले बच्चे वो कमेंट में बता सकते हैं कि करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है इसका ओके थोड़ा सा डिफिकल्ट है प्रोनाउंस करना मेरे लिए ओके उसके बाद ये देखो यहाँ पे एक और एक है नराव नराव पहाड़ ये भी यूरेनियम माइन झारखंड में स्थित है जादूगोड़ा ओके okay, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे यूरेनियम कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड के हेडक्वार्टरस भी थे ओके okay, जादूगुड़ा न्यूज में रहता है बहुत बार क्योंकि ये यूसीआईएल के यूसीआईएल अगर किसी अन्य कंट्री के साथ कोई न्यूक्लियर सप्लाई के लिए कोई एग्रीमेंट वगैरह साइन करता है तो बहुत बार ये न्यूज में रहता है ओके okay, तो आपको थोड़ा सा ये ध्यान में रखना है उसके बाद बहुत सारी अलग अलग फैसिलिटीज आपको मिलेंगी जो कि अलग अलग जो भी गवर्नमेंट पी एस है वो उनको ऑपरेट करती है या जो भी हमारी अलग अलग लेबोरेटरीज़ है वो ऑपरेट करती है ओके तो आपको ऐसे बहुत सारे यहाँ पे दिखाई देंगे ओके तो यहाँ पे देखो ये कसान दिल्ली के नज़दीक है यहाँ पे सिक्समिक एयर स्टेशन है बी उसको ऑपरेट करता है उसके बाद ये रेडियो फार्मास्यूटिकल लेबोरेटरीज़ है बी आर आई ऑपरेट करता है ओके माउंट अबू में एक स्थित है गुरुशिखर ऑब्जर्वेटरी फॉर एस्ट्रोफिजिकल साइंसेज ओके ये भी बी ऑपरेट करता है ओके तो ऐसे आपको बहुत सारे मिलेंगे इंदौर में देखो राजा रामन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी है हज़ीरा में सूरत के पास है हज़ीरा गुजरात में हैवी वाटर प्लांट है यहाँ पे ओके नासिक महाराष्ट्र में है यहाँ पे महाकुंभ भी लगता है नासिक में एक कृषक नाम का एक इम्पोर्टेंट लैब है जो कि बीआरसी द्वारा ऑपरेट किया जाता है ओके okay? ये आ, मनु गुरु नाम का एक प्लेस है यहाँ पर भी हेवी वाटर प्लांट आपको मिलेगा जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है उसके बाद हैदराबाद ये भी एक इम्पोर्टेंट सिटी है यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड इसके हेडक्वार्टर मिलेंगे ई के ओके उसके बाद न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे राइट जोना की लेबोरेटरी ये भी यहाँ पे स्थित है सेंटर फॉर कंपोजिशनल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मटेरियल ओके तो ये बहुत सारी ऐसी लैबोरेटरीज है जिनकी वैकेंसीज निकलती रहती है अलग अलग आ, आ, जो भी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट होते या जो भी फंडामेंटल साइंस जिसे हम बोलते हैं जैसे कि न्यूक्लियर साइंस या केमिस्ट्री फिज़िक्स बायोटेक्नोलॉजी तो इस तरीके से ये जो भी फंडामेंटल और अप्लाइड साइंस के जो भी ग्रेजुएट होते उनके लिए अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे होती है ओके तो यहाँ पे आप देख सकते हो बेंगलुरु में भी रेडियो फार्मास्यूटिकल लेबोरेटरी आपको मिलेंगी जो कि बी आर आई टी ऑपरेट करती है यहाँ पे देखो इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंसेस चेन्नई में मिलेगा ओके इनका भी बहुत बड़ा योगदान है आप सोच रहे होंगे कि मैथमेटिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स का क्या ताल्लुक है लेकिन मैथमेटिक्स के सिवाय कोई भी इंजीनियरिंग का टास्क हो तो अधूरा होता है इसलिए मैथमेटिक्स आपको हर जगह पर मिलेगा ओके तो इस तरीके से दोस्तों हमने बहुत सारी फैसिलिटीज़ के बारे में डिस्कस किया है जो भी छूट गई है वो आप देख सकते हो मैप में जो भी आपके आ, मतलब आपके इंटरेस्ट के लिए आ, आपका जिस भी फैसिलिटी में इंटरेस्ट हो तो उस हिसाब से आप यहाँ पे उनके जो आ, ये जो एक्रोनिम से उसके तहत आप ये यहाँ पे देख सकते हो क्या है क्या नहीं है तो होप दोस्तों आपको कुछ अच्छी जानकारी मिली होंगी इस वीडियो के तहत अगर आपको ये जो मैप है इसकी पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जो भी बी ए का ऑफिशियल वेब पेज है तो वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा ओके तो मिलते हैं दोस्तों हमारे अगले वीडियो में अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा ये जानकारी अच्छी लगी तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करिए आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और ऐसे ही अन्य इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आपके और हमारे जो ये प्यारा सा यूट्यूब चैनल है पढ़ाई से दोस्ती इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलते रहे धन्यवाद दोस्तों हैव अ ग्रेट डे